प्रेरणा से उनके अभिवादन लेते हुए पूरा देश अब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये बड़ा अवसर है सभी के लिए। परिकल्पना भी प्रधानमंत्री महोदय की वो अनूठी। प्रधानमंत्री का दरअसल भोपाल का ये छठवां दौरा रहेगा। इससे पहले 5 बार वे भोपाल आ चुके हैं। पढ़ने के माध्यम से, देखने और सुनने के माध्यम से ज्ञात करें, प्राप्त करें और उसे आत्मसात भी करें, क्योंकि वही प्रेरणाएं हैं जो इस देश के गौरव के लिए, इस देश की समृद्धि के लिए हमें अपने आप को कितना करने की प्रेरणा देती है। और इस तेज प्रधानमंत्री और वो ओरा जो आसानी से की वो तारीख थी इसी वर्ष किसी और व्यक्तित्व में देखने को नहीं मिला करता, आप प्रधानमंत्री को देखकर वो महसूस कर सकते हैं। और अब जनजातीय समुदाय प्रदर्शनी की तरफ बढ़ते हुए स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश द्वारा प्रदर्शित जनजातीय नायकों की चित्र प्रदर्शनी एक के बाद एक की रक्षा करने वाले जो क्रांतिकारी हैं, सबसे पहले मान की रक्षा करने वाले जनजाति समाज के महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, हमारे ऐसे वीरों को उनके बारे में जिन्हें भगवान स्वरूप सम्मान मिला करता है। गीत धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चाहे जिस माध्यम से भी, लेकिन अपने उन वीरों की रघुनाथ सिंह मंडलोई आपके ठीक बाद हैं, जो आप देख रहे हैं सुरेंद्र साय हैं, क्योंकि देश जिनके चित्र को निहारा, देश का गौरव तभी आपके बाद देश की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में तभी इस रूप में बढ़ पाएगी, शहीद मुड्डे बाई। और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये दरअसल वीरांगना रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी है। वीरांगना रानी दुर्गाबाई दुर्गावती मध्य प्रदेश की गोंडवाना क्षेत्र की महान वीरांगना को उनके शौर्य और साहस स्वतंत्रता के आंदोलन और पराक्रम के लिए याद किया जाता है। 1947 में जब स्वतंत्र हुए तभी नहीं, उसके पहले से ये अपने पति दलपत शाह की असमय मृत्यु के पश्चात अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाकर शासन कार्य संभालना और फिर मुगल शासकों से पहले बाज बहादुर से उसके बाद आसफ खां से युद्ध करना, कई जीत दर्ज करना और अंततः जब वे अपने अंतिम युद्ध में परास्त हुई तो स्वयं का बलिदान किया, अपने ही कटार से अपने जीवन का अंत किया। वीरांगना रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित चित्रों को निहारते हुए प्रधानमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक एक चित्र रानी दुर्गावती के जीवन को प्रदर्शित कर रहा है। कई युद्ध उन्होंने लड़े, अनेक में जीत दर्ज की, वे न केवल विजेता बनी बल्कि बहुत बहादुर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री दूसरी प्रदर्शनी इसी हॉल में लगाई गई है, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वसहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा लगाए गए स्टॉल है। ग्रामीण आजीविका मिशन के 15 स्टॉल हैं। धीरे धीरे हस्तशिल्प और विशुद्ध रूप से स्वयं अपने हाथों से निर्मित वस्तुएं स्वसहायता महिलाओं के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य शहरी आजीविका मिशन के समूह भी यहां पर 2 स्टॉल लगाए हुए हैं। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के भी 2 स्टॉल हैं यहां पर। आप खूबसूरत कलाकृति को अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ट्राइफेड का भी एक दर्शनीय स्टॉल है। समय लेते हुए ये प्रधानमंत्री की एक विशिष्ट सोच है, विशिष्ट पहचान है कि वे कलाकारों से मिलते हैं, उनकी चीज को, उनके काम को निहार कर उनका सम्मान किया करते हैं। समय लिया, अभिवादन किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ट्राइफेड का भी एक दर्शनीय स्टॉल है और साथ ही महिला बाल विकास विभाग की तरफ से भी एक विशेष स्टॉल लगाया गया है इस प्रदर्शनी में। आप बातचीत करते हुए ये कितना व्यक्ति को उद्वेलित कर सकती है, कितना प्रेरित कर सकती है कि प्रधानमंत्री स्वयं उनकी कला का, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का न केवल अवलोकन कर रहे हैं बल्कि उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। एक कलाकार को और क्या चाहिए, प्रधानमंत्री वैसे भी कलाकारों को
वैसे भी विशिष्ट व्यक्तित्वों या प्रयास करने वाले व्यक्तियों को कभी भी सम्मान देने में कमी नहीं रखते हैं। ये अपने आप में सभी के लिए बड़े ही उत्साह की बात रहा करती है, चाहे बात खिलाड़ियों की हो, चाहे कलाकारों की हो, अभी बात कलाकारों की हो रही है। और अब एक बड़े व्यक्तित्व से मुलाकात। इस समय बातचीत कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जो अपनी सादगी और अपने पूर्व में किए गए कार्यों के कारण जाने जाते हैं। पूर्व राजस्व मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश शासन में, पिछोर विधानसभा क्षेत्र से आप 5 बार विधायक रहे, 2 बार कैबिनेट मंत्री। नन्ना जी के नाम से जाने जाने वाले आदरणीय गुप्ता जी बेहद सादगी पसंद हैं और उनसे बातचीत करते हुए, 103 वर्षीय हैं आदरणीय लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, स्वतंत्रता आंदोलन में आपका बड़ा योगदान रहा। जब आप मंत्री रहे थे तो आपका कार्यकाल भी प्रशंसनीय माना जाता रहा है और आज के आधुनिक दौर में भी आप तमाम आधुनिक वस्तुओं से परहेज रखा करते हैं। आपके पास ना फोन या मोबाइल की कोई जगह बनी है और ना ही बड़ी गाड़ियों का आप शौक रखते हैं या उनसे दूरी रखते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने उनसे थोड़ी देर बातचीत की, उनके प्रति सम्मान जताया और ये हम सभी के लिए बड़े गर्व के क्षण रहा करते हैं। और अब यहां से मुख्य मंच की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री लेकिन आज का दिन देश भर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जनजातीय गौरव दिवस एक ऐसा दिन, एक ऐसा प्रयास न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि शहर और प्रदेश में भी अनेक आयोजन आज से प्रारंभ हो रहे हैं। आज ही अलग अलग कार्यक्रमों में प्रदेश भर में बल्कि देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के साथ साथ जनजातीय प्रतिभाओं का सम्मान होगा और अब बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अवसर समीप आता जाता है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो निगाहें और ज्यादा आतुर हो जाया करती हैं। और उत्सुक निगाहें अब मुख्यमंत्री की तरफ और ज्यादा, मिलकर हम करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, इस देश के राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत अभिनंदन करें। तालियों की गूंज आपकी उसमें कोई कमी ना हो, संख्या इतनी बड़ी है तो करतल ध्वनि के स्वर भी दूर तक गूंजने चाहिए। आप सबकी तरफ से अभिनंदन है, वंदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके कृपा, उनके स्नेह, उनके सानिध्य के लिए। और इस समय इस वीर वसुंधरा पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय, 25 वर्ष की आयु में जिस वीर क्रांतिकारी मुंडा युवा ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, देवी सज्जनों विदेशी शासन के अत्याचारों और शोषण से मुक्त के लिए संग्राम करते हुए अपने प्राणों को आहुति दी, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा के चित्र के समक्ष वे नतमस्तक होकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें अपने भावों की अभिव्यक्ति, अपने सम्मान और श्रद्धा भाव उनके प्रति प्रकट कर रहे हैं। और साथ में माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार हम सब भी इस श्रद्धा और सम्मान में अपनी करतल ध्वनि के साथ शामिल होंगे। आप सभी उत्साह के साथ, एक बार जोश के साथ आइए, इस अभिनंदन को अपनी करतल ध्वनि से गुंजायमान करें, स्वागत करें
परम आदरणीय परम पूज्य यशस्वी प्रधानमंत्री इस भारत देश के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज की तालियों की आवाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस वीर वसुंधरा पर आकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ हैं, यहाँ आप सबका अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, वंदन करें, नमन करें ऐसी विभूति का, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत देश के परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। वंदे मातरम, पुनः नमस्कार आप सभी को। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मध्य प्रदेश में भोपाल की इस वीर वसुंधरा पर देश के जनजातीय समाज के गौरव के अपने संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से आज इस जनजातीय महासम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हम सबके लिए गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। आज अभिभूत भाव से ये विशाल जनजातीय समुदाय आपका अभिनंदन कर रहा है। आज इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंचासीन केंद्रीय मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वीरेंद्र कुमार जी, फगन सिंह गुलस्ते जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी और डॉक्टर एल मुर्गन, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इस धरा पर। देव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश भर में जनजातीय समुदायों की पहचान और उनके सम्मान के लिए, उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास किए हैं वे अनुपम है। आज इस अवसर पर ऐसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से। हमारे जनजातीय प्रतीकों के साथ हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है, ये हमारे जनजातीय प्रतीकों के साथ ये स्वागत, ये अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बैगा माला और पगड़ी भेंट करके मुख्यमंत्री जी के साथ कल सिंह भावर और ओम प्रकाश धुर्वे जी उपस्थित हैं। और आप एक बार करतल ध्वनि तालियां आप सबके तरफ से इस अभिनंदन में इसका रंग और गाढ़ा करेंगे। जैकेट हमारे प्रतीक, जनजातीय परंपरा का प्रतीक ये जैकेट, ये बैगे बैगा माला और पगड़ी के साथ यहां हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। बहुत बहुत वंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है सर आपका। निवेदन स्थान ग्रहण करने के लिए अब मैं निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री विजय शाह जी से कि वे माननीय राज्यपाल महोदय को, श्री मंगूभाई पटेल जी को बैगा माला और साथ में पगड़ी भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। श्री विजय शाह जी माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में, वे राज्यपाल महोदय का करतल ध्वनि एक बार पुनः आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। आपकी तालियों की आवाज जरूर मंच तक आनी चाहिए। ये स्वागत है, अभिनंदन है ऐसी विभूतियों का। निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का बैगा माला और पगड़ी भेंट करके उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करें। देवियो सज्जनों, ये अवसर बहुत विलक्षण है, अनूठा है और अपने जीवन में, अपनी स्मृतियों में सहेजने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भील तीर धनुष भेंट करके उनका, उन्हें भेंट करें। उनकी कृपा, उनका स्नेह आज हम सबको मिला है। आज जनजातीय समुदाय अपने प्रतीकों के माध्यम से अभिनंदन कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। करतल ध्वनि आपकी तरफ से जरूर होनी चाहिए इस अवसर पर। हमारे विशेष तौर पर ये सुसज्जित सज्जा के साथ तीर और धनुष। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा और आह्वान पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भी अप्रतिम योगदान रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के 23 जिलों के 75 रणबांकुरों की पुण्य भूमि से पावन मिट्टी एक कलश में एकत्रित की गई है और
मुख्यमंत्री महोदय वही अमृत माटी कलश को यहाँ प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। आप सभी मंचासीन विभूतियों से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर सम्मान और श्रद्धा भाव से खड़े हो और आइए हम भी अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्त करेंगे। हमारे रणबांकुरों के स्थलों की ये माटी है, पावन माटी, अमृत माटी कलश में जो यहाँ एकत्रित की गई है। देवियों सज्जनों, मुख्यमंत्री महोदय से पुनः मैं निवेदन करूंगा, गोंडवाना का गौरव रानी कमलापति की प्रतिमा भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इस समय वो भेंट करें। रानी कमलापति ने अपने राज्य की रक्षा के लिए लगातार मुगल शासकों का बहादुरी से सामना किया था और अंत में अपने सम्मान की रक्षा करते हुए उन्होंने जल समाधि ले ली थी, इसलिए कि अपने गौरव से कभी समझौता नहीं करना, अपने आत्मसम्मान से कभी रक्षा समझौता नहीं करना। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से गूंजती हुई तालियों की आवाज सिर्फ न यहां बल्कि देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। देवी सज्जनों, बहुत बहुत अभिनंदन है इस रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। मैं मध्य प्रदेश के प्रख्यात चित्रकार भूरीबाई जी को बड़े श्रद्धा भाव से विनम्रता पूर्वक मंच पर आने के लिए निवेदन कर रहा हूं। भूरीबाई जी को भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया है। भूरीबाई जी अपनी बनाई एक पेंटिंग माननीय प्रधानमंत्री महोदय को बहुत ही सम्मान भाव के साथ प्रस्तुत करने जा रही हैं। एक सहज व्यक्तित्व है भूरीबाई जी का और ये पेंटिंग जिसका शीर्षक है भराड़ी, परिवार के लोगों के साथ देवता का पूजा करना, अर्चना करना, ये चित्र भूरीबाई जी यहाँ प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रही हैं और ये परंपरा का स्वरूप बड़ा सुंदर है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं पद्मश्री से ही सम्मानित प्रख्यात गोंड चित्रकार भज्जू सिंह श्याम जी को। भज्जू सिंह जी अपनी बनाई एक पेंटिंग प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। इसका शीर्षक है छांव। एक घने वृक्ष की छांव में अनेक पशु सुस्ता रहे हैं, प्रकृति का, जीवों का, मानव का यह सुंदर अभिव्यक्ति है इस रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जो उन्होंने भेंट किया है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, आभार सभी विभूतियों का मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन। देवी सज्जनों, हमारे जनजातीय समाज में आनंद और उल्लास की अभिव्यक्ति का मतलब है गीत संगीत और नृत्य के साथ अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, और आज यहां मध्य प्रदेश की अनेक जनजातीय प्रस्तुतियों का आनंद हमने सुबह से लिया है, पर अब समय है एक विशेष प्रस्तुति का। मध्य प्रदेश की जनजातियों का केंद्रीय नृत्य है, रूप है कर्मा नृत्य। केंद्रीय इसलिए कि यह नृत्य अधिकांश जनजातीय समूहों द्वारा किया जाता है, उनकी लोक संस्कृति का अटूट हिस्सा है। आज इस विशेष दिन पर गोंड, बैगा, कोरकू, भारिया, कोल, सहरिया, भील, इन सभी जनजातीय समुदाय के कलाकार, लगभग 425 कलाकार मिलकर सांस्कृतिक मंच पर मध्य प्रदेश की लोक आदिवासी जनजातीय संस्कृति का यह सुंदर स्वरूप प्रस्तुत करने जा रहे हैं कर्मा नृत्य के रूप में। एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए, कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करें सांस्कृतिक मंच पर और वहां इस नृत्य प्रस्तुति का आनंद लें, गर्व करें कि ऐसी जनजातीय संस्कृति का हम हिस्सा हैं और गौरव हम सबका है। ये ओ हो 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 हाय, चोला चार चदन
स्वरूप है और उसके अभिव्यक्ति हमारे जनजातीय समुदाय के इन कलाकारों द्वारा जो मंच पर थे, लेकिन मंच के अलावा आप सबके भी बीच में थे। एक बार आप सबके तरफ से करतल ध्वनि के साथ इन कलाकारों का अभिनंदन अवश्य होना चाहिए। यह हमारी पहचान है, यह हमारा गौरव है, यह इस देश की धरोहर है, हमारी संस्कृति के संवाहक हैं। मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह मांडवे जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए पधारें स्वागत संबोधन के साथ। आदरणीय देवी और सज्जनों, ताली बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित जनजाति गौरव दिवस समारोह में हम सबको आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं मध्य प्रदेश की धरती पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस भव्य आयोजन की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के सम्मानी राज्यपाल आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी मंच में विराजमान, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी, उपस्थित केंद्र शासन और राज्य शासन के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सभी विराजित सम्माननीय सांसदगण, सभी सम्माननीय विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं पार्टी पदाधिकारीगण, 2 लाख से अधिक की संख्या में प्रदेश से कोने कोने से आज के इस महा आयोजन में पधारे मेरे प्रिय जनजाति भाई बहन, कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रबुद्ध नागरिक, मीडिया के साथीगण, अधिकारी कर्मचारीगण, देवी और सज्जनों, आप सभी का जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मध्य प्रदेश एक इंद्रधनुष है जो यहाँ निवास करने वाली जनजातियों के अलग अलग रंगों से मिलकर बना है। मध्य प्रदेश एक गुलदस्ता है
जो यहाँ की अलग अलग जनजातियों के फूलों से मिलकर बना है। मध्य प्रदेश एक माला है जो हमारे जनजाति भाई बहनों रूपी मोतियों से मिलकर बना है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विगत 17 वर्षों में जनजातियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, वन अधिकार, वन प्रबंधन, सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास, पोषण, उद्यमिता विकास, संवैधानिक संरक्षण, रोजगार, कला, संस्कृति सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। भविष्य के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए सरकार जनजाति कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य करती रहेगी। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारा संकल्प है। मैं एक बार फिर आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सभी गणमान्य जनों का और इतनी बड़ी संख्या में ऊर्जा, उत्साह और उल्लास के साथ पधारे जन जन का अंतर मन की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय सुश्री मीना सिंह मालवीय जी का। देवे सज्जनों, प्रदेश के जनजातीय समुदायों को उनका अधिकार दिलाने, उनके सम्मान की रक्षा के लिए और विकास का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उन तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी सदैव प्रयासरत रहे हैं और उनकी सरकार लगातार इस बात के लिए संकल्पबद्ध भी है। मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें, उद्बोधन के लिए पधारें। बोलिए भारत माता की, बिरसा भगवान की। मंच पर विराजमान हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य जी, आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, आदरणीय प्रहलाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद भाई वीडी शर्मा जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी साथीगण, माननीय सांसदगण और यहां उपस्थित, जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है दूर दूर केवल जन सैलाब दिखाई दे रहा है। राजधानी आज और मध्य प्रदेश जनजातीय रंग में रंग गया है। ऐसे मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। मैं आज भगवान बिरसा को प्रणाम करते हुए, क्योंकि उन्होंने हमारे आदिवासी जनजाति समाज को अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया था और अपने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था। बिरसा भगवान को प्रणाम। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। बिरसा भगवान के इस योगदान को प्रणाम करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस मना के रूप में मनाने का पूरे हिंदुस्तान में फैसला किया। एक जमाना था जब एक पार्टी राज करती थी, उसने एक खानदान के अलावा आजादी की लड़ाई का योगदान श्रेय और किसी को नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, भगवान बिरसा का सम्मान संपूर्ण जनजातीय समाज का सम्मान है। भारत माता पर यह कर्ज था ऐसे सच्चे सपूतों का, जनजाति योद्धाओं का। सचमुच में आपने भारत माता का के ऊपर जो कर्ज था वो कर्ज उतारा है जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा करके। और इस फैसले के लिए
एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। राजा रघुनाथ साह, शंकर साह, टंटा मामा, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजा विभूत सिंह, बादल भोई, एक नहीं कितने जनजाति योद्धा थे जिन्होंने सब कुछ न्योछावर किया था देश की आजादी के लिए, ये उनका सम्मान है। लेकिन आज मैं हृदय से और केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं। इसलिए कि ये राजधानी भोपाल ये केवल नवाबों का इतिहास नहीं था, यहां कभी गोंडवाना का राज हुआ करता था। भोपाल से लेके किन्नौरगढ़, गड़ा मंडला, संग्रामपुर, ये 52 गढ़ थे और उनमें से एक गढ़ की रानी थी रानी कमलापति। छल से, कपट से आया था अफगान से, अफगानिस्तान से दोस्त मोहम्मद खां, पहले इस्लाम नगर को लूटा, बाद में भोपाल पर कब्जा करने के बाद किन्नौरगढ़ पर भी उसकी गिद्ध दृष्टि गई और रानी पर भी उसकी बुरी नजर थी। रानी के बेटा नवल शाह वीरता पूर्वक लड़े लेकिन लाल घाटी पर शहीद हो गए। और जब रानी को यह समाचार मिला और उनको यह लगा कि वो अपने राज्य का संरक्षण नहीं कर पाएंगी और अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगी, तो रानी ने छोटे तालाब में जल जोहर किया, जल समाधि ले ली। रानी की गाथाएं भोपाल के जनजीवन में हर कोई गाता था। बचपन में हम कहते थे ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो कमलापति और सब रनैया। लेकिन रानी भुला दी गई, इतिहास में उचित स्थान ना अंग्रेजों ने दिया ना कांग्रेस ने दिया। लेकिन धन्य है नरेंद्र मोदी जी, आपने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख के खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, ढोल नगाड़े बजाइए, आनंद का प्रकटीकरण कीजिए, चारों तरफ से गूंज हो जाए प्रधानमंत्री जी आपने रानी का सम्मान बढ़ाया है, आपने जनजाति का सम्मान बढ़ाया है, आपने आदिवासी समाज का सम्मान बढ़ाया है, आपने भोपाल और मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। मैं प्रणाम करता हूँ प्रधानमंत्री जी आपको, प्रणाम करता हूँ। इसलिए स्वागत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का वैक्सीन के रूप में। पहले दुनिया वैक्सीन बनाती थी, भारत नहीं बना पाता था, वैक्सीन बनी भी और वैक्सीन 107 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी। ये वैक्सीन का डोज नहीं, प्रधानमंत्री जी आपने जिंदगी का डोज हमारी जनता को दिया है, फ्री में दिया है। और जब दोनों हाथ ऊपर उठाकर फिर ताली बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी, हम इसलिए भी आपका स्वागत करना चाहते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें ऐतिहासिक रूप से घटी है और ये किसान छोटे छोटे मेरे आदिवासी भाई बहन, ये इसलिए भी अभिनंदन करना चाहते हैं कि 1200 की डीएपी की बोरी 2400 हो गई, कंपनियों ने कीमत बढ़ाई लेकिन घटा के आपने केवल 1200 में दिए। मैं कितना स्वागत करूं, समय की सीमा है। रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम आपने गरीबों का किया है, जनजाति समाज का किया है। इसलिए एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता और इस जनजाति समाज की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। 700-700 किलोमीटर से चले आ रहे हैं, कई तो परसों चले और कई जिलों से कल चले, अलग अलग जगह ठहरे। बहनों और भाइयों, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ठहरने में? सब आनंद के साथ आए। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्यों जनजाति सम्मेलन कर रहे हैं, पैसे की फिजूल खर्ची है, फिजूल खर्ची। दो दो पूर्व मुख्यमंत्री हम पे हमला कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं कुछ लोग जो कहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी विरोधी है, जनजाति विरोधी है। अब उनके पेट में दर्द हो रहा है, वो आईफा जैसे आयोजन करके
हीरो हीरोइन पे करोड़ों रुपया खर्चा कर दे, वो फिजूल खर्ची नहीं थी। और हम जनजाति भाई बहनों को बुला के जनजाति गौरव दिवस मनाए, तो ये फिजूल खर्ची है? बताओ ये फिजूल खर्ची है क्या? ये सम्मेलन होना चाहिए था कि नहीं? आप सबका मैं इसमें स्वागत करता हूं। और ये केवल सम्मेलन नहीं है मेरे जनजाति बहनों और भाइयों, ये गरीब की और आदिवासी की जिंदगी बदलने का अभियान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है। हमें कहते हैं आदिवासी विरोधी। आज मैं कह सकता हूं इस मंच से, अगर गरीबों और जनजाति समाज का सबसे बड़ा हितैषी और मसीहा हिंदुस्तान में कोई है तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। एक नहीं कितनी योजनाएं, अगर गिनाऊंगा तो रात हो जाएगी। लेकिन आज जिन योजनाओं को प्रारंभ करने आए, राशन आपके गांव, दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी है। मुझे एक बूढ़ी मां ने कहा राशन के बारे में, अरे दोनों कोरोना के दोनों लहर में अकेले मध्य प्रदेश को 9,857 करोड़ रुपए का मुफ्त में अनाज दिया मोदी जी ने, सबको राशन, फ्री राशन। धन्यवाद मोदी जी, एक बार फिर स्वागत कीजिए। और बाकी नाम मात्र के पैसों में दे रहे। लेकिन एक अम्मा मुझे मिली और उसने मुझे कहा कि हम टोलों मजरों फालियों में रहते हैं, अनाज लेने दूर जाना पड़ता है 4-4 किलोमीटर, कई बार दुकान बंद रही तो मिल नहीं पाता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि राशन हमारे घर पे हमारे गांव में मिल जाए? और तभी राशन आपके गांव योजना बनी। प्रधानमंत्री जो राशन देते हैं वो अब गाड़ियों से टोलों मजरों फालियों में गांव गांव में भेजा जाएगा, और हर गांव में राशन गरीबों को जनजाति भाई बहनों को दिया जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? एक बार जोर से बताओ ठीक है कि नहीं? ये गाड़ी भी सरकारी नहीं होगी, ये गाड़ी आदिवासी नौजवान की होगी। बैंक उसे फाइनेंस करेंगे, लेकिन बैंक गारंटी मांगते हैं। आदिवासी बेटे ने कहा कि मेरे पास तो गारंटी है ही नहीं, तो बताओ गारंटी कौन देगा? गारंटी सरकार देगी, गारंटी भी देगी, मार्जिन मनी भी जमा करवाएगी। राशन अब आपके द्वार आएगा। और केवल इतना ही नहीं, कुछ लोगों के पास पात्रता पर्ची नहीं थी, 37 लाख लोगों को पात्रता पर्ची बना के भी दिए। मोदी जी के राज में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, उनकी जिंदगी बदलने का अभियान है। कुछ गरीब भाई बहन, मोदी जी आवास दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, लेकिन कुछ गरीब जनजाति भाई बहनों ने बताया कि हमारे पास तो एक ही छोटा सा झोपड़ा है, उसी में पिता, 4 बेटे, उनकी बहू में रहते, रहने की जगह नहीं है। तो हमने एक योजना और बना दी, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, जिसमें जिन गरीबों के पास रहने को जमीन नहीं है, घर घर में बहुत कम जगह और 4-4, 6-6 परिवार हो गए, अब ऐसे हर एक परिवार को पति पत्नी और उसके बच्चों को निशुल्क प्लाट देके रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। कोई आदिवासी जनजाति भाई बहन रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी आवास दिलवा रहे हैं। इलाज का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, आयुष्मान भारत योजना, मोदी केयर, मुझे कहते खुशी है कि मध्य प्रदेश की धरती पे 2.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन गए। मेरे आदिवासी भाई और बहनों, भगवान ना करे बीमार होना पड़े, लेकिन बीमार अगर हो गए तो ये मोदी जी 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री करवाएंगे। सिकल सेल एनीमिया बड़ी बीमारी, मैंने प्रधानमंत्री जी से चर्चा की, उन्हें मुझे कहा मंगू भाई से भी मिलो, उन्हें बहुत काम किया है। तो आज से हम सिकल सेल एनीमिया बीमारी के उन्मूलन से अब के लिए अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि उस रोग की तकलीफों से बचाया जा सके। शिक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एकलव्य विद्यालय खोल रहे हैं, 50 का आज ही शिलान्यास और लोकार्पण है। गांव गांव आश्रमशालाएं, छात्रावास कांग्रेस ने नहीं दिए थे, कभी दिए थे क्या कांग्रेस ने? बताओ, अरे दिए थे क्या?
हम पे आरोप लगाते हैं सड़कें तुमने बनाई नहीं, बिजली भी लेके आए तो सौभाग्य योजना में नरेंद्र मोदी जी ने फालिया फालिया बिजली पहुंचाने का चमत्कार किया है, केवल वो लोग आरोप लगाते हैं। अब शिक्षा के लिए काम हो रहा है, और ऐसा मैं कहना चाहता हूं गर्व के साथ, जेई मेंस और नीट की परीक्षा में जो कोचिंग बच्चों को दिए, आज सैकड़ों की संख्या में हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और कई गरीब बच्चे जिनका हम फीस नहीं भरवा सकते, तो हमका तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हमारे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, हमने तय किया है यूपीएससी पीएससी की परीक्षा में भी जनजाति बेटा बेटियों को कोचिंग देने का काम किया जाएगा, पुलिस और आर्मी में भर्ती के लिए भी इन बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा, और रोजगार के लिए सरकारी भर्ती में जितने बैकलॉग के पद हैं सब भरने का अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। आज ही कुछ को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, स्ट्रीट वेंडर योजना, और एक योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी क्रांति योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आप अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकेंगे और छोटा मोटा उद्योग भी डाल सकेंगे। एक बात और मेरे जनजाति भाइयों बहनों, पेशा एक्ट बहुत गाली देती थी कांग्रेस, क्या किया तुमने तुम्हारे राज में? अब पेशा कानून चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा, बिना सामाजिक समरसता तोड़े, सबको न्याय लेकिन सामाजिक समरसता के साथ, ग्राम सभाएं सशक्त बनाई जाएगी, और वनोपज तेंदू पत्ता बेचना है अगर तो पायलट के रूप में अब वन समितियां बेचेंगी, ग्राम सभा और सशक्त होंगी, कई तरह के अधिकारों से लैस कर रहे हैं, और जितने छोटे मोटे मामले थे आदिवासी बहनों और भाइयों पे वो सब वापस लेने का हमने फैसला किया है। मध्य प्रदेश में आबकारी नीति ऐसी बनाई जाएगी जो आपकी परंपराओं का पालन करने में सहयोगी हो, और कई के ऊपर जो बड़ा बड़ा कर्जा था, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो नियमानुसार लाइसेंस लेके निर्धारित दर पर ब्याज पर पैसा देते हैं, लेकिन कई शोषण कर रहे थे, लूट रहे थे, और इसलिए हमने कानून बना दिया जिनने जबरदस्ती जमीन गिरवी रख के जनजाति भाई बहनों का शोषण किया, उनका लिया हुआ कर्जा माफ, उनका सामान वापस करवाया जाएगा, उनका सम्मान भी लौटाया जाएगा। हर गांव में चार ग्रामीण कारीगर आदिवासी बेटा बेटियों में से ही ट्रेंड करके उनको वहां रोजगार दिया जाएगा, और गांव गांव में पीने का पानी, सिंचाई का पानी भी झाबुआ में, अलीराजपुर में, बड़वानी में, धार में, बताओ कांग्रेस ने कभी पानी दिया था क्या? अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और मेरी जनजाति बहनों अब ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन बनाया है, अब तुम्हारे घर में हैंडपंप का पानी नहीं, पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा, टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गगरा भर जाएगा। जनता की जिंदगी बदलने का यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है, और हमारी कोशिश है कि उनकी हर योजना को आदर्श तरीके से हम जमीन पर लागू करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, समय की सीमाएं जनजातियों के कल्याण में, उनके उत्थान में, उनके आर्थिक सशक्तिकरण में, शैक्षणिक सशक्तिकरण में, प्रधानमंत्री जी तो जी जान से जुटे हैं, मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बोलिए आप सबको विश्वास है? इस बार जोर से हो जाए, सबको विश्वास है? तो एक ही अपील करना चाहता हूं कि बिना जन भागीदारी के होगा नहीं, इसलिए हम सब मिलकर करेंगे। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनके द्वारा चलाई गई योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और आपका सहयोग, मिलकर चलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए आप सबका साथ चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा? तो एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए, भारत माता की, बिरसा भगवान की, हर हर नर्मदे।
विलंब के दिल को सुनने ये जन सैलाब उमड़ा है, चारों तरफ नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हमारे हृदय के हार भारत के मुकुटमणि श्रीमान मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आए और आप सबको संबोधित करें और एक बार फिर जोरदार तालियां ढोल नगाड़े बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से आज जो योजनाओं का शुभारंभ, जिसका मुख्यमंत्री महोदय ने उल्लेख भी किया, सबसे पहले राशन आपके ग्राम योजना लेकर जो सरकार आई है, इस योजना के बारे में विस्तार से, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से और सभी गणमान्य विभूतियों से, अपना स्थान ग्रहण करेंगे क्योंकि वो फिल्म जिसके माध्यम से इस योजना को थोड़ा विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय उसका शुभारंभ करेंगे। राशन आपके ग्राम योजना पर आधारित ये लघु फिल्म। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है तो रास्ते भी निकलते हैं, समस्या का समाधान भी होता है। प्रधानमंत्री जी के इसी मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में राशन वितरण की समस्या का समाधान कर रही है। जनजातीय कल्याण की इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रारंभ करने जा रही है राशन आपके ग्राम योजना। प्रदेश के ऐसे जनजातीय क्षेत्र जहां शासकीय सहकारी उचित मूल्य की दुकान ग्राम में नहीं है, वहां ग्रामीणों को राशन के लिए पंचायत मुख्यालय पर जाना पड़ता है, जिससे अतिरिक्त शारीरिक श्रम तो लगता ही है, साथ ही उस रोज का उनका काम धंधा भी चला जाता है। ऐसे में बुजुर्गों, महिलाओं और निराश्रित को तो और भी मुश्किल होती थी। हितग्राहियों की इसी परेशानी को समझते हुए मध्य प्रदेश सरकार उनके गांव में ही राशन वितरित करने जा रही है। योजना के तहत लाभार्थियों को माह में एक नियत दिवस पर राशन वाला वाहन, वितरण सामग्री एवं शासकीय विक्रेता सहित ग्राम में आएगा, हितग्राहियों को राशन वितरित किया जाएगा। यही नहीं, योजना के तहत स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राशन वितरण में उपयोग होने वाले वाहनों के अनुबंध के लिए भी उसी क्षेत्र के अनुसूचित जनजातीय वर्ग के युवाओं का चयन किया जाएगा। सरकार उन्हें 2-3 लाख की मार्जिन मनी एवं न्यूनतम दर पर ऋण भी दे रही है। सरकार द्वारा मुझे ये जो ऋण मिला है, जो कि उनके द्वारा हम गाड़ी मालिक बने हैं, 4 किलोमीटर जाना पड़ता राशन लोन के लिए। अकेली चक्कर आती है, शरीर कपती है, लाने वाले धरन वाले कोई नहीं है। हमारे गांव में राशन आ जाएगी, बढ़ जाएगी, परेशानी कोई को नहीं होएगा। मोदी जी को धन्यवाद, मुख्यमंत्री को आशीर्वाद। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी नाम मात्र की शुल्क पर राशन देते हैं। धन्यवाद मोदी जी। ये ऐसे ही प्रधानमंत्री कर सकता है जिसके दिल में गरीबों के लिए दर्द हो। 89 जनजातीय विकास खंडों में संचालित होने जा रही ये योजना लाभार्थियों के श्रम, समय और आजीविका की रक्षा भी करेगी एवं उनके लिए समृद्धि के नए द्वार भी खोलेगी। देवी सज्जनों, इस योजना से प्रदेश के 16 जिलों में लगभग 6600 गांवों में 7.5 लाख परिवारों को सीधे इसका लाभ मिलेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस योजना से जुड़ रहे 2 वाहन चालकों को राशन वाहन की चाबी देकर राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। निवेदन है डिंडोरी के अनिल आरमोजी से कि वे मंच पर आएं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे अपने कर कमलों से सबसे पहले डिंडोरी के अनिल आरमो इस युवा को राशन वाहन की चाबी प्रदान करने की कृपा करें। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से इस अनूठी योजना के लिए जरूर होनी चाहिए और जोश और उल्लास के साथ होनी चाहिए। आज यह अनूठी शुरुआत है और अब मैं इसके बाद जिस युवा को आमंत्रित करना चाहता हूं, उनका
नाम है लक्ष्मी नारायण रमगढ़िया, मंडला के रहने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उन्हें भी राशन वाहन की चाबी प्रदान करके इस योजना का शुभारंभ करते हुए और आशीर्वाद आप सभी का आपकी करतल ध्वनि के रूप में अवश्य मिलना चाहिए। देवियों सज्जनों, हमारी शुभकामनाएं इनके लिए और उन संवेदनाओं को हम नमन करते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन में गरीब समाज के लिए, जनजातीय समाज के लिए है। आभार निवेदन स्थान ग्रहण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और गणमान्य विभूतियों से। देवियों सज्जनों, हमारे जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सिकल सेल रोग एक गंभीर समस्या है, हम सब जानते हैं। ये रोग महिलाओं और बच्चों को अधिक प्रभावित करता है, जो कई बार उनके लिए घातक भी हो जाता है। इस रोग के उन्मूलन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक कार्य योजना तैयार की है। आज मध्य प्रदेश राज्य सिकल सेल यानी हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय करेंगे, लेकिन उससे पहले एक लघु फिल्म के माध्यम से आइए विस्तार से इस मिशन के बारे में जानें। स्वस्थ भारत की ओर बढ़ते आत्मनिर्भर कदम, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लक्षित आत्मनिर्भर भारत की महत्वाकांक्षी पहल को सार्थक बनाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशों पर सिकल सेल एनीमिया के रोकथाम हेतु विशेष परियोजना आरंभ की है। परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का गठन किया गया है। इस विशेष मिशन के तहत प्रदेश के 27 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में सिकल सेल एनीमिया, जो कि एक अनुवांशिक रोग है, की रोकथाम, जागरूकता, स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग एवं उपचार की व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध कारगर रणनीति तैयार की गई है। स्क्रीनिंग उपरांत प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज में लैब जांचें, रोगियों की प्रबंधन हेतु आवश्यक दवाइयां एवं रक्तदान की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। आगामी पीढ़ियों में हीमोग्लोबिनोपैथी के प्रसार को रोकने हेतु जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वितरण एवं काउंसलिंग की जाएगी। प्रथम चरण में प्रदेश के 2 जिलों झाबुआ और अलीराजपुर में 8.26 लाख गर्भवती महिलाओं एवं 6 माह से 18 वर्ष तक के बच्चों की सिकल सेल स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग एवं प्रबंधन किया जाएगा। भारत सरकार की पहल पर सिकल सेल रोकथाम की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार की ये परियोजना प्रदेश को स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित कर रही है। देवियों सज्जनों, इस मिशन के पहले चरण में जनजातीय बहुल झाबुआ और अलीराजपुर को शामिल किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय इन जिलों के 3 व्यक्तियों को जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्रदान करके इस मिशन का शुभारंभ करेंगे और इस क्रम में सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा झाबुआ की हतीला जी को, जिन्हें प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड यहां इस मंच पर प्रदान किया जाएगा। उनके जीवन में और इस रूप में हमारे जनजातीय समाज के असंख्य लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत, करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं आप जरूर दीजिएगा मिशन की सफलता के लिए। अलीराजपुर के टीना डुडवे को आमंत्रित करता हूं, वे प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्राप्त करेंगी। और इसके बाद झाबुआ के मनीष सिंह परमार जी, उनके भी वे भी आज प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से ये जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्राप्त करेंगे। इन सबको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। झाबुआ के मनीष सिंह परमार, जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड उन्हें भी प्रधानमंत्री महोदय प्रदान करते हुए बहुत 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 आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार विशेष पिछड़े जनजातीय समुदायों यानी PVTG के समुदायों से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदेश के सहरिया, बैगा और भारिया जनजातीय समुदायों से अभी 20 माध्यमिक शिक्षकों का चयन किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में इनके पदस्थ होने से समुदाय के जो अन्य युवक और युवतियां हैं उनके लिए यह आदर्श स्थापित करेंगे, साथ ही समुदाय की बालक और बालिकाएं उनके साथ सहज भाव से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से 3 नवनियुक्त शिक्षकों को यहां नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे भारिया जनजाति के रविशंकर भीमसेनी को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। शुभकामनाएं आप सबके तरफ से मिलनी चाहिए, बड़ों की तरफ से आशीष, आपके करतल ध्वनि के साथ
इनके उज्जवल भविष्य के लिए। मैं निवेदन करूंगा अब माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से कि वे भारिया जनजाति के विवेक कुमार भारती को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। आमंत्रित करता हूं विवेक कुमार भारती, जो कि सिवनी के रहने वाले हैं, उन्हें माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। करतल ध्वनि के साथ शुभकामनाएं अपनी अवश्य दें। और राज्यपाल महोदय से पुनः निवेदन है, सहरिया जनजाति से संबंध रखने वाली सुश्री पिंकी सहरिया को भी नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें माननीय राज्यपाल महोदय। पिंकी सहरिया, शुभकामनाएं आप सब की तरफ से, आशीष आप सब की तरफ से, बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा और अथक प्रयासों से देश भर में दुनिया का जो सबसे बड़ा कोविड रोधी टीकाकरण अभियान जारी है और इस देश ने बढ़ चढ़ कर माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर अपने आप को उसमें शामिल किया है। मध्य प्रदेश भी देश में एक अग्रणी राज्य बन चुका है टीकाकरण में। इस पर आधारित एक फिल्म है छोटी सी, टीकाकरण की उपलब्धि और शत प्रतिशत कोविड टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने वाले झाबुआ जिले के जनजातीय बाहुल गांव नरसिंहरूड़ा पर आधारित एक लघु फिल्म, आइए देखते हैं। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। नरसिंहरूड़ा मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव, आज यहां उत्सव का माहौल है। उत्सव है प्रदेश के प्रथम पूर्ण कोविड टीकाकृत ग्राम होने की खुशी का, और इसके पीछे संघर्ष से सफलता की एक बड़ी कहानी है। प्रदेश के जनजातीय बहुल जिले झाबुआ के इस गांव के लिए पात्र नागरिकों का शत प्रतिशत टीकाकरण करना एक बड़ी चुनौती थी। यहां के अधिकांश लोगों में कोविड के टीके को लेकर डर और भ्रांतियां फैली हुई थी। इसे बोलते कि टीका लगाएंगे तो 3 महीने होते वो मर जाएंगे, ऐसा बताते। हमने बताया कि हम तो नहीं मरे, 3 महीने हमारे हो गए तो तुम कहाँ मर जाओगे। कई बार ऐसा भी हुआ कि गांव जाकर एक भी टीका लगाए बिना कर्मचारियों की टीम को अपमानित होकर लौटना पड़ा। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जन भागीदारी का मॉडल प्रस्तुत करते हुए पूरी टीम ने अथक प्रयास किया। अब ये जिंदगी बचाने का अभियान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने चलाया, वो जिंदगी के इस डोज को फ्री में दे रहे हैं। अब जब देने वाले फ्री में दे रहे हैं तो लगवाने वाले बहनों और भाइयों, आप क्यों देर कर रहे हो। चरणबद्ध तरीके से सबसे पहले ग्राम में कार्यरत कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को टीका लगाया गया, जिससे ग्रामवासियों के मन में विश्वास आया और उनका डर दूर हुआ। लगातार खाटला बैठकें की गई, लोगों से सीधा संवाद किया गया। साथिया वॉलंटियर्स द्वारा घर घर जाकर लोगों को टीके के लिए आमंत्रित करते हुए पारंपरिक रूप से पीले चावल दिए गए और विश्वास दिलाया गया कि टीका पूरी तरह सुरक्षित और आवश्यक है। टीम के निरंतर प्रयासों से जून 2021 के प्रथम सप्ताह में कोविड वैक्सीन के प्रथम डोज का टीकाकरण 100% पूर्ण हो गया। हमारा टीका लगे मध्य के, धन्यवाद। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 12 सितंबर 2021 तक नरसिंहरूड़ा में सभी पात्र नागरिकों को कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लग गए और ये जनजातीय बाहुल्य ग्राम मध्य प्रदेश का पहला पूर्ण टीकाकृत ग्राम बन गया। आज मध्य प्रदेश प्रथम डोज के टीकाकरण में देश में अग्रणी है। मध्य प्रदेश शीघ्र ही प्रदेशवासियों को कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगाकर पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप सभी को हार्दिक बधाई इस उपलब्धि के लिए। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक देश में 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस कड़ी में आज 50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का वर्चुअल भूमि पूजन और शिलान्यास होना है। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर रतलाम जिले के बाजना में बनने वाले एकलव्य विद्यालय की आधारशिला रखने की कृपा करें और आप सबका आशीष और शुभकामनाएं आपकी करतल ध्वनि के रूप में जरूर मिलनी चाहिए इस महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए। मध्य प्रदेश सहित देश के तमाम हिस्सों में ये आज प्रक्रिया जारी है और हमारे माननीय गणमान्य विभूति अलग अलग स्थलों पर मौजूद हैं, देश में अलग अलग कार्यस्थलों पर। और अब समय है जब मैं
उस विभूति से जिन्होंने इस देश का नेतृत्व किया, इस देश का गौरव बढ़ाया, पूरी दुनिया में जिन्हें उम्मीद भरी आशा भरी दृष्टि से इसलिए देखा जाता है कि वे मानव कल्याण के लिए एक समर्पित नेतृत्व के रूप में दुनिया के सामने उपस्थित हैं। मैं प्रार्थना करूंगा ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि वे आपकी करतल ध्वनि के साथ, उत्साह और जोश से भरी तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन उनके उद्बोधन के लिए, उनके संबोधन के लिए देवे सज्जनों। जोहार मध्य प्रदेश, राम राम, सेवा जोहार, मोर सगा जनजाति बहन भाई ला स्वागत जोहार करता हूं। हूं तमारो स्वागत करूं, तमाम साम किकम छो, मालथन आप सबान सो मिलन बड़ी खुशी हुई रह लिया है। आप सबान थन फिर सी राम राम। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासियों के कल्याण के लिए खपा दिया, वे जीवन भर आदिवासियों के जीवन के लिए सामाजिक संगठन के रूप में, सरकार में मंत्री के रूप में एक समर्पित आदिवासियों के सेवक के रूप में रहे। और मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी गवर्नर, इसका सम्मान श्री मंगूभाई पटेल के खाते में जाता है। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वीरेंद्र कुमार जी, प्रहलाद पटेल जी, फगन सिंह कुलस्ते जी, एल मुरुगन जी, एमपी सरकार के मंत्रीगण, संसद के मेरे सहयोगी सांसदगण, विधायकगण और मध्य प्रदेश के कोने कोने से हम सभी को आशीर्वाद देने आए जनजाति समाज के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन पूरे देश के लिए, पूरे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है।
आजादी के अमृत महोत्सव में इस नए संकल्प के लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आज यहां मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज का आभार भी व्यक्त करता हूं। बीते अनेक वर्षों में निरंतर हमें आपका स्नेह, आपका विश्वास मिला है। ये स्नेह हर पल और मजबूत होता जा रहा है। आपका यही प्यार हमें आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करने के लिए प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है। साथियों, इसी सेवा भाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है। और आज जब कार्यक्रम के प्रारंभ में मेरे आदिवासी जनजातीय समूह के सभी लोग अलग अलग मंच पर गीत के साथ, धुन के साथ अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे, मैंने प्रयास किया उन गीतों को समझने के लिए, क्योंकि मेरा यह अनुभव रहा है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है और मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई न कोई तत्व ज्ञान होता है। पर्पज ऑफ लाइफ, आदिवासी अपने नाच गान में, अपने गीतों में, अपनी परंपराओं में बखूबी प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए आज के इस गीत के प्रति मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था। और मैंने जब गीत के शब्दों को बारीकी से देखा तो मैं गीत को तो नहीं दोहरा रहा हूं, लेकिन आपने जो कहा शायद देश भर के लोगों को आपका एक एक शब्द जीवन जीने का कारण, जीवन जीने का इरादा, जीवन जीने के हेतु बखूबी प्रस्तुत करता है। आपने अपने नृत्य के द्वारा, अपने गीत के द्वारा आज प्रस्तुत किया, शरीर चार दिनों का है, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। खाना पीना खूब किया, भगवान का नाम भुलाया। देखिए ये आदिवासी हमें क्या कह रहे हैं जी, सचमुच में बेशिक्षित है कि हमें अभी सीखना बाकी है। आगे कहते हैं, मौज मस्ती में उम्र बिता दी, जीवन सफल नहीं किया, अपने जीवन में लड़ाई झगड़ा खूब किया, घर में उत्पाद भी खूब किया, जब अंत समय आया तो मन में पछताना व्यर्थ है, धरती खेत खलियान किसी के नहीं है। देखिए आदिवासी मुझे क्या समझा रहा है, धरती खेत खलिहान किसी के नहीं है, अपने मन में गुमान करना व्यर्थ है। ये धन दौलत कोई काम के नहीं है, इसे यहीं छोड़ के जाना है।
आप देखिए इस संगीत में, इस नृत्य में जो शब्द कहे गए हैं वो जीवन का उत्तम तत्व ज्ञान जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आत्मसात किया हो। इससे बड़ी किसी देश की ताकत क्या हो सकती है? इससे बड़ी किसी देश की विरासत क्या हो सकती है? इससे बड़ी देश की पूंजी क्या हो सकती है? साथियों, इसी सेवा भाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है। राशन आपके ग्राम योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन हो, ये दोनों कार्यक्रम आदिवासी समाज में स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुझे इसका भी संतोष है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिलने से कोरोना काल में गरीब आदिवासी परिवारों को इतनी बड़ी मदद मिली। अब जब गांव में आपके घर के पास सस्ता राशन पहुंचेगा तो आपका समय भी बचेगा और अतिरिक्त खर्च से भी मुक्ति मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना से पहले ही अनेक बीमारियों का मुफ्त इलाज आदिवासी समाज को मिल रहा है, देश के गरीबों को मिल रहा है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय परिवारों में तेजी से मुफ्त टीकाकरण भी हो रहा है। दुनिया के पढ़े लिखे देशों में भी टीकाकरण को लेकर के सवालिया निशान लगाने की खबरें आती हैं, लेकिन मेरा आदिवासी भाई बहन टीकाकरण के महत्व को समझता भी है, स्वीकारता भी है और देश को बचाने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इससे बड़ी समझदारी क्या होती है? 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से सारी दुनिया लड़ रही है। सबसे बड़ी महामारी से निपटने के लिए जनजातीय समाज के सभी साथियों का वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़कर आना सचमुच में ये अपने आप में गौरवपूर्ण घटना है। पढ़े लिखे शहरों में रहने वाले लोगों ने मेरे इन आदिवासी भाइयों से बहुत कुछ सीखने जैसा है। साथियों, आज यहां भोपाल आने से पहले मुझे रांची में झारखंड भगवान बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। आजादी की लड़ाई में जनजातीय नायक नायिकाओं की वीर गाथाओं को देश के सामने लाना, उसे नई पीढ़ी से परिचित कराना हमारा कर्तव्य है। गुलामी के कालखंड में विदेशी शासन के खिलाफ खासी गारो आंदोलन, मिजो आंदोलन, कोल आंदोलन समेत कई संग्राम हुए। गौंड महारानी वीर दुर्गावती का शौर्य हो या फिर रानी कमलापति का बलिदान, देश इन्हें भूल नहीं सकता। वीर महाराणा प्रताप के संघर्ष की कल्पना उन बहादुर
भीलों के बिना नहीं की जा सकती, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर राणा प्रताप के साथ लड़ाई के मैदान में अपने आप को बलि चढ़ा दिया था। हम सभी इनके ऋणी हैं, हम सभी इस ऋण को कभी चुका नहीं सकते, लेकिन अपनी इस विरासत को संजोकर, उसे उचित स्थान देकर अपना दायित्व जरूर निभा सकते हैं। भाई और बहनों, आज जब मैं आपसे अपनी विरासत को संजोने की बात कर रहा हूं, तो देश के प्रख्यात इतिहासकार शिव शाहिर बाबा साहब पुरंदरे जी को भी याद करूंगा। आज ही सुबह पता चला वे हमें छोड़कर के चले गए, उनका देहावसान हुआ है। पद्म विभूषण बाबा साहब पुरंदरे जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को, उनके इतिहास को सामान्य जन तक पहुंचाने में जो योगदान दिया है वो अमूल्य है। यहां की सरकार ने उन्हें कालिदास पुरस्कार भी दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के जिन आदर्शों को बाबा साहब पुरंदरे जी ने देश के सामने रखा, वो आदर्श हमें निरंतर प्रेरणा देते रहेंगे। मैं बाबा साहब पुरंदरे जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज जब हम राष्ट्रीय मंचों से राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के योगदान की चर्चा करते हैं, तो कुछ लोगों को जरा हैरानी होती है। ऐसे लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि जनजातीय समाज का भारत की संस्कृति को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान रहा है। इसकी वजह यह है कि जनजातीय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया, अंधेरे में रखने की भरपूर कोशिश की गई, और अगर बताया भी गया तो बहुत ही सीमित दायरे में जानकारी दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई, उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। देश की आबादी का करीब करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को, उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आदिवासियों का दुख, उनकी तकलीफ, बच्चों की शिक्षा, आदिवासियों का स्वास्थ्य, उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। साथियों, भारत की सांस्कृतिक यात्रा में जनजातीय समाज का योगदान अटूट रहा है। आप ही बताइए, जनजातीय समाज के योगदान के बिना क्या प्रभु राम के जीवन में सफलताओं की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। वनवासियों के साथ बिताए समय ने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में अहम योगदान दिया है। वनवास के उसी कालखंड में प्रभु राम ने वनवासी समाज की परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन के तौर तरीके, जीवन के हर पहलू से प्रेरणा पाई थी। साथियों, आदिवासी समाज को उचित महत्व ना देकर, प्राथमिकता ना देकर पहले की सरकारों ने जो अपराध किया है उस पर लगातार बोला जाना आवश्यक है।
हर मंच पे चर्चा होना जरूरी है। जब दशकों पहले मैंने गुजरात में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी, तभी से मैं देखता आया हूं कि कैसे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने सुख सुविधा और विकास के हर संसाधन से आदिवासी समाज को वंचित रखा, अभाव बनाए रखते हुए चुनाव के दौरान उन्हीं अभावों की पूर्ति के नाम पर बार बार वोट मांगे गए, सत्ता पाई गई, लेकिन जनजातीय समुदाय के लिए जो करना चाहिए था, जितना करना चाहिए था और जब करना चाहिए था, ये कम पड़ गए, नहीं कर पाए, असहाय छोड़ दिया समाज को। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने वहां पर जनजातीय समाज में स्थितियों को बदलने के लिए बहुत सारे अभियान शुरू किए थे। जब देश ने मुझे 2014 में आप सब देशवासियों की सेवा का मौका दिया, तो मैंने जनजातीय समुदाय के हितों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। भाई और बहनों, आज सही मायने में आदिवासी समाज के हर साथी को देश के विकास में उचित हिस्सेदारी और भागीदारी दी जा रही है। और चाहे गरीबों के घर हो, शौचालय हो, मुफ्त बिजली और गैस कनेक्शन हो, स्कूल हो, सड़क हो, मुफ्त इलाज हो, ये सब कुछ जिस गति से देश के बाकी हिस्से से हो रहा है, उसी गति से आदिवासी क्षेत्रों में भी हो रहा है। बाकी देश के किसानों के बैंक खाते में अगर हजारों करोड़ रुपए सीधे पहुंच रहे हैं, तो आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को भी उसी समय मिल रहे हैं। आज अगर देश के करोड़ों करोड़ परिवारों को शुद्ध पीने का पानी पाइप से घर घर पहुंचाया जा रहा है, तो ये उसी इच्छा शक्ति के साथ उतनी ही स्पीड से आदिवासी परिवारों तक भी पहुंचाने का काम तेज गति से चल रहा है। वरना इतने वर्षों तक जनजातीय क्षेत्रों की बहन बेटियों को पानी के लिए कितना परेशान होना पड़ता था, मुझसे ज्यादा आप लोग इसको भली भांति जानते हैं। मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 30 लाख परिवारों को अब नल से जल मिलना शुरू हो गया है और इसमें भी ज्यादातर हमारे आदिवासी इलाकों की ही है। साथियों, जनजातीय विकास के बारे में बात करते हुए एक बात और कही जाती थी, कहा जाता था जनजातीय क्षेत्र भौगोलिक से बहुत कठिन होते हैं, कहा जाता था कि वहां सुविधाएं पहुंचाना मुश्किल होता है। ये सारा बहाना काम न करने के बहाने थे। यही बहाना करके जनजातीय समाज में सुविधाओं को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई, उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया। साथियों, ऐसे ही राजनीति, ऐसी ही सोच के कारण आदिवासी बाहुल्य वाले जिले विकास की बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रह गए। अब कहां तो इनके विकास के लिए कोशिशें होनी चाहिए थी, लेकिन इन जिलों पर पिछड़े होने का एक टैग लगा दिया गया। भाई और बहनों, कोई राज्य, कोई जिला, कोई व्यक्ति, कोई समाज विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति, हर समाज आकांक्षी होता है, उसके सपने होते हैं। सालों साल वंचित रखे गए इन्हीं सपनों, इन्हीं आकांक्षाओं को उड़ान देने की कोशिश
आज हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आपके आशीर्वाद से आज उन 100 से अधिक जिलों में विकास की आकांक्षाओं को पूरा किया जा रहा है। आज जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार बना रही है उनमें आदिवासी समाज बाहुल्य आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। आकांक्षी जिले या फिर ऐसे जिले जहां अस्पतालों का अभाव है, वहां 150 से अधिक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए जा चुके हैं। साथियों, देश का जनजातीय क्षेत्र संसाधनों के रूप में, संपदा के मामले में हमेशा समृद्ध रहा है, लेकिन जो पहले सरकार में रहे वो इन क्षेत्रों के दोहन की नीति पर चले, हम इन क्षेत्रों के सामर्थ्य के सही इस्तेमाल की नीति पर चल रहे हैं। आज जिस जिले में जो भी प्राकृतिक संपदा राष्ट्र के विकास के लिए निकलती है उसका एक हिस्सा उसी जिले के विकास में लगाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत राज्यों को करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए मिले हैं जो उसी क्षेत्र के लिए खर्च करने हैं। आज आपकी संपदा आपके ही काम आ रही है, आपके बच्चों के काम आ रही है। अब तो खनन से जुड़ी नीतियों में भी हमने ऐसे बदलाव किए हैं जिससे जनजातीय क्षेत्रों में ही रोजगार की व्यापक संभावनाएं बने। भाई और बहनों, आजादी का यह अमृतकाल आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का काल है। भारत की आत्मनिर्भरता जनजातीय भागीदारी के बिना संभव नहीं है। आपने देखा होगा अभी हाल में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। जनजातीय समाज से आने वाले साथी जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे, पैर में जूते भी नहीं थे, सारी दुनिया देख करके दंग रह गई, हैरान रह गई। आदिवासी और ग्रामीण समाज में काम करने वाले ये देश के असली हीरो है। यही तो हमारे डायमंड है, यही तो हमारे हीरे हैं। भाई और बहनों, जनजातीय समाज में प्रतिभा की कमी कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों में आदिवासी समाज को अवसर देने के लिए जो जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए ना, कुछ नहीं था, बहुत कम थी। सृजन आदिवासी परंपरा का हिस्सा है। मैं अभी आने से पहले सभी आदिवासी समाज की बहनों के द्वारा जो निर्माण कार्य हुआ है वो देख करके मैं सचमुच में बड़े मन को आनंद होता था। इनकी उंगलियों में इनके पास क्या ताकत है। सृजन आदिवासी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन आदिवासी सृजन को बाजार से नहीं जोड़ा गया। आप कल्पना कर सकते हैं, बांस की खेती जैसी छोटी और सामान्य सी चीज को कानूनों के मकर जाल में फंसा कर रखा गया था। क्या हमारे जनजातीय भाइयों बहनों के ये हक नहीं था कि वो बांस खेती करके बेच करके उसे पैसा कमा सके। हमने वन कानूनों में बदलाव कर इस सोच को ही बदल दिया। साथियों, दशकों से जिस समाज को उसकी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबा इंतजार करवाया गया, उसकी उपेक्षा की गई, अब उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है।
लकड़ी और पत्थर की कलाकारी तो आदिवासी समाज सदियों से कर रहा है, लेकिन अब उनके बनाए उत्पादों को नया मार्केट उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्राइफेड पोर्टल के माध्यम से जनजातीय कलाकारों के उत्पाद देश और दुनिया के बाजारों में ऑनलाइन भी बिक रहे हैं। जिस मोटे अनाज को कभी दोयम नजर से देखा जाता था, वो भी आज भारत का ब्रांड बन रहा है। साथियों, वन धन योजना हो, वनोपज को एमएसपी के दायरे में लाना हो, या बहनों की संगठन शक्ति को नई ऊर्जा देना, ये जनजातीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व अवसर पैदा कर रहे हैं। पहले की सरकारें सिर्फ 8-10 वन उपजों पर एमएसपी दिया करती थी। आज हमारी सरकार करीब करीब 90 वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। कहां 9-10 और कहां 90। हमने 2500 से अधिक वन धन विकास केंद्रों को, 37,000 से अधिक वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुपों से जोड़ा गया है। इनसे आज लगभग 7.5 लाख साथी जुड़े हैं। उनको रोजगार और स्वरोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार ने जंगल की जमीन को लेकर भी पूरी संवेदनशीलता के साथ कदम उठाए हैं। राज्यों में लगभग 20 लाख जमीन के पट्टे देकर हमने लाखों जनजातीय साथियों की बहुत बड़ी चिंता दूर की है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार आदिवासी युवाओं की शिक्षा और कौशल पर विशेष बल दे रही है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आज जातीय क्षेत्रों में शिक्षा की नई ज्योति जागृत कर रही है। आज मुझे यहां 50 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के शिलान्यास का अवसर मिला है। हमारा लक्ष्य देश भर में ऐसे लगभग 750 स्कूल खोलने का है। इनमें से अनेकों एकलव्य स्कूल ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 7 साल पहले हर छात्र पर सरकार लगभग 40,000 रुपये खर्च करती थी, वो आज बढ़कर 1 लाख रुपये से अधिक हो चुका है। इससे जनजातीय छात्र छात्राओं को और अधिक सुविधा मिल रही है। केंद्र सरकार हर साल लगभग 30 लाख जनजातीय युवाओं को स्कॉलरशिप भी दे रही है। जनजातीय युवाओं को उच्च शिक्षा और रिसर्च से जोड़ने के लिए भी अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। आजादी के बाद जहां सिर्फ 18 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बने, वहीं सिर्फ 7 साल में नौ नए संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। साथियों, जनजातीय समाज के बच्चों को एक बहुत बड़ी दिक्कत पढ़ाई के समय भाषा की भी होती थी। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बहुत जोर दिया गया है। इसका भी लाभ हमारे जनजातीय समाज के बच्चों को मिलना तय है। भाइयों और बहनों, जनजातीय समाज का प्रयास, सबका प्रयास, यही आजादी के अमृतकाल में बुलंद भारत के निर्माण की ऊर्जा है। जनजातीय समाज के आत्मसम्मान के लिए, आत्मविश्वास के लिए, अधिकार के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। आज जनजातीय गौरव दिवस पर हम इस संकल्प को फिर दोहरा रहे हैं और ये जनजातीय गौरव दिवस जैसे हम
गांधी जयंती मनाते हैं, जैसे हम सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं, जैसे हम बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, वैसे ही भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर की जयंती हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई जाएगी। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, उनकी उपस्थिति, उनके स्नेह, उनके सानिध्य, उनके मार्गदर्शन के लिए। और सदैव इस देश को इस बात पर गर्व महसूस होता है, देश का युवा इस बात के लिए अपने आप को सम्मानित महसूस करता है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय नए भारत, न्यू इंडिया के निर्माण में आह्वान करते हैं समाज के हर वर्ग का। और ये नया भारत ऐसा है जिसमें हर हाथ में हुनर हो, उसके लिए जगह हो, डिजिटल होने की सोच जिसके पास हो, और आसमान की ऊंचाइयों को छूने का संकल्प जिसके पास हो। ऐसा संकल्प, ऐसी प्रेरणा देने वाले परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार। आज इस जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, गौरव इस जनजातीय सम्मेलन में उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए, आज मध्य प्रदेश के लिए और विशेष तौर पर भोपाल के लिए बहुत कुछ प्रधानमंत्री महोदय ने अपने स्नेह के रूप में सौगात दी है। आज यहां से जाने इस कार्यक्रम के बाद उनका एक और कार्यक्रम जिसके बारे में आप जानते हैं, आज यहां भोपाल में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन, जो अपने आप में एक अनूठी पहचान जिससे भोपाल की बनेगी, ऐसे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का वो लोकार्पण, उसका शुभारंभ करेंगे। और रानी कमलापति के नामकरण के साथ आदिवासी जनजातीय गौरव को दुनिया के सामने इस रूप में रखेंगे। ऐसे जनजातीय वीर वीरांगनाओं को नमन करने का दिन है, उनसे प्रेरणा लेने का दिन है। जनजातीय गौरव दिवस के अभूतपूर्व आयोजन से अब प्रधानमंत्री विदा ले रहे हैं। अब आपकी प्रतीक्षा कर रहा है नव साज सज्जा से संपन्न रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। आज ही अब से कुछ देर बाद आदरणीय प्रधानमंत्री राजधानी भोपाल के इस अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। वास्तव में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित महाजनजातीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री की उपस्थिति ने समूचे जनजातीय समुदाय